तीन लोक से न्यारी काशी इन दिनों राजनीतिक केंद्र बिंदु बनी हुई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से सांसद हैं, यहीं से पीएम बने, तभी से छोटे बड़े जितने दलों की बात की जाए तो उनका केंद्र बिंदु काशी रहा है। ऐसे में नामांकन का आज तीसरा दिन है। बीते तीन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा, हालांकि उतनी गहमागहमी अभी नहीं देखने को मिल रही है। फिर भी आज तीसरे दिन सेना से बर्खास्त किए गए जवान जिनके ऊपर आरोप लगे वो हमारे साथ हैं। उनसे पूरा परिचय पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि काशी को ही उन्होंने अपना रण क्षेत्र क्यों माना या क्यों चुना। जी पहले तो आपका पूरा नाम। जय हिंद, मैं BSF पूर्व जवान तेज बहादुर। तेज बहादुर जी, काशी आने का औचित्य क्या है और कारण क्या है? काशी हमारे देश की एक बड़ी पवित्र जगह है, माने जो धरोहर है हमारी, तो उस पर तो ज़रूरी है कि आज तक कितने कितने बड़े राजनेता यहाँ से, पिछले बार मोदी जी यहाँ से जीत के गए और प्रधानमंत्री बने, तो इसलिए हम भी आए हैं गंगा मैया का आशीर्वाद लेने। वो तो नकली चौकीदार थे, अब असली चौकीदार गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। कैसे माने जनता कि असली कौन और नकली कौन? उन्होंने तो विकास किया है, उसी की दुहाई दे रहे हैं, 5 साल में उन्होंने कुछ न कुछ किया है। दुनिया क्यों नहीं मानेगी? असली चौकीदार कौन होता है? जो सीमाओं की रक्षा, वो दुनिया को परिभाषा पता है, चौकीदार की परिभाषा क्या है? जो सीमाओं की चौकसी करते हैं वो होते हैं चौकीदार। अगर दी वो अपने आप को चौकीदार कहते हैं तो आप छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ जितने आपको पेंशन मिल रही है, जितने आपको तनख्वाह मिल, एक दिन चौकीदार की तनख्वाह लेके देखिए और 2 घंटे किसी ATM पर खड़े होकर दिखा दीजिए, जाओ हम काशी छोड़ के चले जाएंगे, जाइए। अच्छा ये बताइए, आप तो एक जवान हैं, सेना के जवान हैं, सीमा पे सुरक्षा भी की है आपने, देश का जज्बा है आपके अंदर, तो राजनीति की ओर क्यों आए, कहाँ से मुड़ा हो गया? मैं तो देश के जितने भी पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे सभी से अनुरोध करूंगा, अगर यदि आपने इस गंदगी को हटाना है तो हर कोई राजनीति में आना पड़ेगा। आज कौन है राजनीति में? गुंडे, दबंग, बदमाश। दूसरी वजह है कि मोदी जी जब 2014 में आए तो शायद देश के 90% लोगों को बड़ी आशाएँ थी, मुझे भी थी, पिछला वोट मैं भी BJP को दिया था, मुझे भी आशाएँ थी कि बड़े अच्छे प्रधानमंत्री है, शायद देश का विकास हुआ। लेकिन हुआ क्या? आप जान रहे हो, विकास सिर्फ BJP का व्यक्तिगत हुआ, बाकी देश का कोई विकास नहीं हुआ किसी भी चीज़ पे। सबसे बड़ी उन्होंने राजनीति की थी हेमराज के नाम से, तो आज हेमराज की हालात देखिए क्या है, उसके परिवार की हालात। एक के बदले में उन्होंने कहा कि 10 सर लाएंगे, उसके बदले में क्या हुआ, 775 जवान शहीद हुए, 997 जवानों ने आत्महत्या की। तो इसलिए हमें मजबूर होकर राजनीति माना पड़ा कि आज तक इन्होंने सेना के नाम पर राजनीति की है। अब सेना के जवान गरीब मजदूर हर का मसीहा बनके, मुझे पता है कि सेना का जब देश की रक्षा करता है, ईमानदारी से करता है, अगर दी संसद में भी हम जाएंगे तो देश की पब्लिक को विश्वास है हमारे ऊपर कि संसद में भी जनता के लिए काम करेंगे। चोट कहाँ लगी आपको राजनीति में? एकदम से काशी में आके चुनौती देने की बात कहाँ से आई? सबसे मैंने उनका विश्वास किया था, सबसे मेन मुद्दा है कि मैंने उन पर भरोसा किया था और मैंने भ्रष्टाचार दिखाया 2017 के अंदर। ये देखिए मोदी जी कि हमारे सेनाओं को ये खाना दिया जाता है जिसको कोई खा नहीं सकता, कि उस जवान लड़े कैसे, तो उन्होंने 3-3 बार वीडियो देखने के बाद भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं लिया गया, जबकि मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसी दौरान मेरा एक ही इकलौता बच्चा था, 17 जनवरी को उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने प्रतिज्ञा ली, मैं और मेरी पत्नी है सिर्फ, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, हमने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद सिर्फ हम देश सेवा के लिए काम करेंगे चाहे कुछ भी हो, वहीं से हमने प्रतिज्ञा ली। अगर यहाँ से जीतते नहीं हैं कहीं तब क्या करेंगे? नहीं, जीतते नहीं हैं तब भी देश सेवा हम करते ही रहेंगे, बहुत से माध्यम हैं, लोगों को जागरूक करेंगे, लगे रहेंगे हम, क्या चुनाव एक बार नहीं है, बार बार आता रहेगा। और हम तो जीत के लिए आए, हारने के लिए तो आए नहीं, हम जीत के लिए ही लड़ेंगे। ये मोदी जी को हराने के लिए आए हैं या सांसद बनने के लिए आए? नहीं, एक चौकीदार, नकली चौकीदार को भगाने के लिए आए हैं, असली चौकीदार तो मोदी जी को हराएंगे तभी तो जीतेंगे। अच्छा अभी 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 आपका बयान सामने आया, आपने बोला कि सेना से इकलौते आप हैं जो सांसद के लिए फाइट कर रहे हैं, इसके पहले जनरल VK सिंह जी भी हैं, सीतारमण जी भी हैं, सेना से जुड़े हुए लोग राजनीति कर रहे हैं। अभी अभी आपने बोला है, आपका बयान है कि सेना से एकमात्र आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये दोनों में कम्बिनेशन कैसा सोचते हैं? वो मैं बताऊंगा, सीधा सीधा मैं उनको नाम देता हूं, काले अंग्रेज, गोरे चले गए काले अट्ठे। हमारे देश की नेतागिरी और अफसरशाही ने इस देश को लूटा है, वो ऑफिसर हैं। 70 साल में पहली बार कोई सिपाही रैंक का मजदूर, किसान, गरीब का बेटा जो एक प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहा है, ये चैलेंज है,
उनकी जो आप बात कर रहे हैं, बड़े बड़े अहदों पे बैठे वो तो मिलके लूट रहे हैं नेताओं के साथ, आज तक बड़े बड़े जनरल जो है वो लूट रहे हैं लूट, ठीक है। मैंने इसलिए कहा कि पहला जवान है कोई सिपाही वो भी, और अपने किसान का बेटा है 70 साल में पहली बार वो भी सीधे सीधे प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहा है, ये पहली बार है इतिहास में। आपको याद होगा देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी, सबसे पहले एक जवान था मंगल पांडे जिसने क्रांति शुरुआत की थी, और वो धीरे धीरे क्रांति इतनी बड़ी और देश को आज़ादी मिली। तो चुनाव तो महंगा है, इस समय आधुनिक युग है, 21वीं सदी है, ये खर्च कहाँ से आएंगे आपके पास? आप सेना के जवान हैं, उतनी इनकम तो होगी नहीं आपकी, क्यों? जब हम चुनाव में आए, जिस दिन हम आए मेरे पास बनारस का किराया भी नहीं था। आज हमें ऑफिस दिया, अपने मोहन प्रसाद जी इधर ही हैं, इन्होंने ऑफिस दिया हुआ है अपनी तरफ से फ्री, एक गाड़ी एक सज्जन ने दिया हुआ है, आज की व्यवस्थाएं कुछ लोगों ने की हुई है, तो हमें क्या चिंता है? देश की जनता हमें प्रेम दे रही है, वोट भी दे रही है, साथ में नोट भी दे रही है, और हमें आगे भी विश्वास है देगी। सेना में रह के अपनी बात नहीं रखी जा सकती थी, ये मानते हैं? बिल्कुल, सेना के अंदर देखो मैं बताता हूँ, सेना में क्या है, हमारा देश ज़रूर आज़ाद हो गया लेकिन आज भी सेना में 1911 के रूल चले हुए, ये गलत है। हमारा मुद्दा है कि सेना का एक सदस्य वहाँ पर जाएगा तो ब्रिटिश रूल को भी ख़त्म कराएगा, क्योंकि जब सेना या पुलिस, कोई भी आप आम आदमी सोचता होगा कि पुलिस हम पे गोली क्यों चलाती है, क्योंकि वो ब्रिटिश रूल है, उनको गुलाम बनाया गया है, कि वो हुक्म के अधीन काम करते हैं, वो ब्रिटिश रूल जब तक ख़त्म नहीं हो गए ना तो आम नागरिक सेफ है, ना ही पुलिस सेफ है, ना ही फौज सेफ है। यादव जी, आपने बोला कि सेना पर राजनीति कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री का कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी इन्होंने की, एयर स्ट्राइक भी की, जनता के सामने है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं? आप मेरे को बताइए कौन सा नेता उस हेलीकॉप्टर में बैठ के गया था सर्जिकल स्ट्राइक में? सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ, इनसे ये पूछ लेना मैं कहाँ पर था, मैं बॉर्डर पे LOC पे था उस समय, उसके बाद का वीडियो है जब इन्होंने उसके ऊपर शेर ज़्यादा लिया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तब मैंने मोदी जी को बताया था, मोदी जी आपने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, जवानों ने किया, लेकिन आपकी सरकार ये देख ली जवानों को पेट भर खाना तक नहीं देती है, तभी मैंने दिखाया था। तो आप एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हो, एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हो, तो खुद एक जो है सुषमा स्वराज विदेश मंत्री का बयान बताइए, वो क्या कर रही है? ये क्यों नहीं कहते कि जो हमने पुलवामा हमला हुआ, बल्कि ये शहीद कहते हैं पुलवामा हमला हुआ, उसकी जाँच के बारे में क्यों नहीं बोलता? उसकी जाँच कराइए ना आप। और मैं आज चैलेंज करता हूँ, बनारस की धरती से अगर दी मैं सांसद हुआ और मेरे को जांच कराने का मौका मिला, तीन सारों को जेल भेज के दिखाऊंगा। क्या बात है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए लाइव BNS से। तो आपने सुना, ये जज्बा एक सेना के जवान का है जिसे बर्खास्त सिपाही कहा जाता है, तो सेना ने बर्खास्त कर दिया लेकिन जज्बा कायम है, जनता के सामने आए हैं, जनता स्वीकार करती है या बर्खास्त करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। आप जुड़े रहिए लाइव BNS टीम के साथ, मैं ध्यानचंद शर्मा, वाराणसी।